मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Hey everyone, my name is Rimi. Welcome to Joy of Rims. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon Learning Books Haul, जो कि मैंने अपनी डॉटर के लिए परचेज किया है। वो अभी 2.5 इयर्स की है और अभी वो स्कूल नहीं जा सकती कोरोना के कारण, तो हमने सारी बुक्स उसके लिए मंगा लिए है। सब सारी शॉपिंग हम लोग ने अमेजोन से की है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बुक जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये सोलिमो की बोर्ड बुक्स, जो कि ये अमेजोन की ही ब्रांड है सोलिमो, और ये 2+ इयर्स के बच्चों के लिए है। इसे आप 4-5 इयर्स तक के बच्चे के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये सेट ऑफ 10 बुक्स है, मल्टी कलर बुक है, और इसमें आपको डिफरेंट 10 अलग अलग बुक्स आपको मिल जाएंगे। सारी बुक्स जो इसमें अवेलेबल है मैं एक बार रीड करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको 10 सेट में ABC, फ्रूट्स, नंबर, वेजिटेबल्स, वर्ड्स, एनिमल्स, बर्ड, व्हीकल, जनरल नॉलेज और नर्सरी राइम्स आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके की आप कॉम्बो करके आप 3 के सेट में, 5 के सेट में आप ऐसे इसे परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप 5 के सेट में लेंगे तो 5 का सेट आपको 349 रुपीज का पड़ेगा। इसका आप 3 का सेट लेंगे तो वो 249 रुपीज का पड़ेगा। और ये 10 का सेट है तो 10 के सेट की जो प्राइस है 699 रुपीज की है। तो इसकी आप सिंगल बुक भी ले सकते हैं, वो आपको 99 रुपीज की पड़ जाएगी। अगर आप सिंगल बुक लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली तो आपको पड़ जाएगा। तो इसकी जो बुक की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। तो ये बोर्ड बुक है, तो बोर्ड बुक तो बच्चे अच्छे से आप कैसे भी करके आप इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फटने वाली नहीं है। तो ये एक बुक जो है इसमें 4 पेजेस है, तो इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये बुक आपके बच्चे को लैंग्वेज, नंबर्स, कलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके बच्चे को सिखाता है। तो मैं जितनी भी बुक्स आपको दिखा रही हूँ सारे बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करके आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं सेकेंड बुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरी डॉटर की फर्स्ट बुक जिसे मैंने खरीदा था मैक से। तो ये ऑल इन वन बुक है, इसे मैंने 100 रुपीज का मैक से इसे परचेज किया था। तो इसमें क्या है, इसमें सारी चीजें जैसे सोलिमो का जो मैंने अमेजोन ब्रांड का लिया है वो सेट ऑफ 10 बुक्स है, तो उसमें सारी चीजें आपको अलग अलग मिलेगा। नंबर्स की बुक अलग है, वर्ड्स की बुक अलग है, अल्फाबेट की बुक अलग है, तो सारी चीजों की बुक अलग है। और इसमें क्या है, ऑल इन वन, इसमें सारी चीजें आपको एक साथ ही आपको मिल जाएगी। अगर आप अलग अलग परचेज नहीं करना चाहते हैं बुक्स को, तो आप इस तरीके की भी आप ऑल इन वन बुक्स खरीद सकते हैं। तो ये मैंने मैक से लिया था। तो इस तरीके की अमेजोन ब्रांड की भी, सोलिमो की भी बुक्स ऑल इन वन मिलती है, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये भी बोर्ड बुक है, काफी अच्छी बुक है इस तरीके की। तो इसमें आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी, शेप्स, कलर्स, तो आपको कोई अलग अलग टाइप की आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप एक ही बुक से बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, आपको डिफरेंट बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये मैंने अपनी डॉटर के लिए 1.5 इयर्स में ही इसे परचेज कर लिया था, ऐसे ही उसको कभी कभी कोई चीज सिखाने के लिए ऐसे ले लिया था। तो अभी मेरी डॉटर बड़ी हो रही है तो उसके लिए मैंने अलग अलग टाइप की इसीलिए मैंने बुक्स परचेज कर लिए, ताकि उसे अच्छे से हर चीजें अच्छे से डिटेल में सारी चीजें समझ में आए। तो इसलिए मैंने सेट ऑफ 10 बुक्स ले लिया, तो वो एक एक दिन करके एक एक बुक्स पढ़ा करती है। फिर मैं आपको नेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। ये है नेक्स्ट बुक वंडर हाउस की, ये पेंसिल कंट्रोल बुक है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो उसे हम डायरेक्टली अल्फाबेट और नंबर अगर सिखाएंगे तो वो पेंसिल कंट्रोल उसमें अच्छे से वो नहीं कर पाता है। तो स्पेशली ये डिजाइन किया गया है पेंसिल कंट्रोल बुक, जिसमें आप सारी चीजें आप इसमें आप सिखा सकते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन और जिगजैग लाइन, इस तरीके की सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। और ये बच्चा काफी इंजॉय करता है इस बुक को करने में। तो जो अर्ली लर्नर्स हैं उनके लिए पेंसिल कंट्रोल एंड मोटर स्किल डेवलप करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है। तो ये बुक एक एक्सेलेंट फर्स्ट स्टेप है बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 139 रुपीज। तो
तो अब मैं अपनी नेक्स्ट बुक में आती हूँ। तो नेक्स्ट बुक हमारी ये ड्रीमलैंड की राइटिंग एबीसी कैपिटल लेटर्स बुक है। तो ये काफी अच्छी बुक है, ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की ये बुक है और ये मुझे 72 रुपीज की अमेजोन में ये मुझे पड़ी थी। तो इसमें डॉटेड लाइन है तो आप बच्चे को अल्फाबेट वगैरह अच्छे से सिखा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके की एक और बुक ली है, राइटिंग 1-2-3। तो इसमें 1 से लेके 20 तक आपको लिखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की ये बुक है, 1-2-3 दिया गया है सारी पिक्चर्स के साथ। तो बच्चा अच्छे से पिक्चर के साथ काउंट करके इसमें लिखना सीखेगा। तो ये बुक भी मुझे 72 रुपीज की पड़ी थी अमेजोन से। तो अब मैं अपने नेक्स्ट बुक में आती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने ये परचेज किया है पेपा पिक की लिटिल लाइब्रेरी, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बुक है बच्चों के लिए। तो ये 6 book of set आता है और इसके बोर्ड बुक्स हैं। तो ये बहुत छोटी सी पॉकेट फ्रेंडली बुक है। तो इसमें पेपा की सारी चीजें दी गई हैं और पेपा पिक तो वैसे भी बच्चों का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर आजकल हो गया है। तो इस तरीके की बुक बच्चों को काफी एंटरटेन करके रखती है। तो छोटे बच्चे को स्टोरी बुक इंट्रोड्यूस करने का काफी अच्छा तरीका है ये। तो पेपा पिक के लिटिल लाइब्रेरी में आपको पेपा के फ्रेंड्स मिल जाएंगे, पेपा की फेवरेट थिंग्स मिल जाएगी, पेपा एट प्लेग्राउंड मिल जाएगा, पेपा एट होम, पेपाज गार्डन और पेपास फैमिली। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए हैं बच्चे को रीड करने के लिए और ये काफी कलरफुल और बहुत एंटरटेनिंग बुक है। आप बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा बहुत पसंद करेगा इस बुक को। तो इसमें पजल भी आप बना सकते हैं। इन 6 book को अगर आप जोड़ के बनाएंगे तो एक पजल भी अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो इस बुक की प्राइस है 230 रुपीज। इसी तरीके की सेम बुक मैंने पेपा की बेड टाइम लाइब्रेरी भी ली है। तो बेड टाइम लाइब्रेरी भी मुझे काफी अच्छी लग रही थी, क्यारा को पेपा पिक बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने एक और बुक इसके लिए परचेज की है। तो ये बेड टाइम लाइब्रेरी है पेपा पिक की। तो इसमें आपको 4 के सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें ड्रीम टाइम मिल जाएगा, बेड टाइम, स्टोरी टाइम और बाथ टाइम। तो इस तरीके की ये भी इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। पूरा बोर्ड बुक है, छोटी सी है, पॉकेट फ्रेंडली है, काफी अच्छी बुक है ये। तो इसमें एक एक पेज पे एक एक लाइन की आपको स्टोरी देखने को मिलेगी और बहुत कलरफुल सी है तो बच्चे को काफी एंगेज करके रखती है स्टोरी पढ़ने के लिए और आप बच्चे को पढ़ के खुद भी सुना सकते हैं। तो बेड टाइम स्टोरी बुक की प्राइस है 250 रुपीज और ये लिटिल लाइब्रेरी की जो प्राइस है वो है 230 रुपीज। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट बुक हमारी 101 पंचतंत्र स्टोरी बुक है। ये भी ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की बुक है। तो इसमें आपको 101 आपको स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये एनिमल बेस्ड स्टोरी बुक है, बच्चों के लिए लिखी गई ऑल टाइम फेवरेट स्टोरी का ये कलेक्शन है। ये कहानियां हमें विजडम, करेज, ब्रेवरी, विकेटनेस एक्सेट्रा के बारे में लेसन सिखाता है। सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई ये स्टोरीज हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट की गई है। तो ये छोटे बच्चों की रीडिंग एक्सपीरियंस इंजॉयबल बनाएगी और इसमें जो स्टोरीज हैं वो बहुत शॉर्ट में है, ज्यादा डिटेल में नहीं दी गई है। तो इसमें सिंपल टेक्स्ट लैंग्वेज दी गई है कि छोटे बच्चे बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। तो मेरी डॉटर तो अभी 2.5 ईयर्स की है तो वो ये सारी स्टोरी पढ़ तो नहीं पाती है, मगर हम लोग उसे रीड करके सारी स्टोरी समझाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनती है। तो आप भी अपने बच्चे को इस तरीके की बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर वो पढ़ नहीं सकता है तो आप उसे पढ़ के उसे सुना सकते हैं। तो इसमें काफी अच्छे अच्छे स्टोरीज है, इसमें 101 आपको स्टोरीज मिल जाएगी एनिमल बेस्ड। तो इसकी प्राइस है 119 रुपीज। तो प्राइस के हिसाब से भी काफी अच्छी है और बुक्स की क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। बुक्स के जो पेपर्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट ये 5 मिनट्स की सिंड्रेला की फेरी टेल्स बुक है। तो फेरी टेल बुक बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग बुक लगती है, जिन बच्चे को फेरी टेल स्टोरी में इंटरेस्ट हो। तो ये वंडर हाउस पब्लिकेशन की ये बुक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि 5 मिनट्स की फेरी टेल है, ये बहुत डिटेल में तो नहीं है पर इसमें जो वाइब्रेंट पिक्चर और सिंपल टेक्स्ट यूज किया गया है वो छोटे बच्चों की इमेजिनेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करेगा और छोटे बच्चों को
बुक पढ़ने के लिए एनकरेज भी करेगा। तो इसका आप बोर्ड बुक और पेपर बुक आप दोनों परचेज कर सकते हैं। इसका आपको सेट ऑफ 5 भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने अभी सिंगल बुक इसका मंगाया है केवल कि मैं देखना चाहती थी कि मेरी डॉटर को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो इस बुक की प्राइस है 78 रुपीज और ये पेपर बुक है, मगर पेपर बुक की भी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और इसके जो कलर्स पिक्चर्स जो बने हुए हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बुक दिखाती हूँ जो कि 101 कॉपी कलरिंग बुक आपको मिल जाएगी। तो ये कलर बुक है वंडर हाउस पब्लिकेशन की। तो वंडर हाउस के आपको अलग अलग टाइप की कलर बुक आपको मिल जाएगी। जैसे जो मैंने परचेज किया है वो है कॉपी कलरिंग बुक। तो और आपको अमेजोन में क्रेयॉन कलरिंग बुक मिल जाएगी, डॉट टू डॉट कलरिंग बुक मिल जाएगी और कलर्स बाय नंबर मिल जाएगा। तो कॉपी कलरिंग में क्या है कि जैसे कि ये यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है और इसको ही बस कॉपी करके इसमें कलर करना है, कि जैसे कि यहाँ पे एप्पल बना है रेड कलर का तो रेड कलर यहाँ करना है और इसके लीव्स में ग्रीन तो ग्रीन करना है, तो कॉपी करके इसमें कलर करना है। तो जो डॉट टू डॉट कलरिंग बुक है उसमें जैसे नंबर्स दिए गए होंगे, 1, 2, 3, 4 करके नंबर्स दिए गए होंगे, तो नंबर्स को एड करके उसमें कलर करना है। और जो कलर्स बाय नंबर है तो उसमें नंबर के अकॉर्डिंग आपको कलर करना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 में हमें ब्राउन कलर करना है, नंबर 2 में हमें पिंक कलर करना है, नंबर 3 में रेड कलर करना है। तो इसी के थ्रू बच्चा काउंटिंग और कलर्स को भी पहचानना सीख जाएगा। तो मैंने अभी कॉपी कलरिंग ही मंगाई है, मुझे लगा इसमें 101 पेजेस है तो मेरी डॉटर इसे काफी दिनों तक इसे यूज करेगी, मगर उसे ये कलरिंग बुक काफी पसंद आई और वो दिन भर में 3-4 कलर तो कर ही देती है। तो इसलिए ये ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, थोड़े बहुत ही इसमें बचे हुए हैं कलर करने को, पीछे के साइड में थोड़े बहुत ही चीजें बची हुई हैं। तो मैं और भी कलर बुक परचेज करने को सोच रही हूँ, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जल्दी ही, क्योंकि इस टाइप की जो कलर बुक्स होती हैं बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट आएगा, वो एक दिन में 3-4 कलर कर देगी। तो बच्चे को काफी मजा आता है इस टाइप की बुक्स में कलर्स करने के लिए। तो आप इस टाइप की बुक मंगा के बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। तो इस बुक की प्राइस है 179। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट परचेज में आती हूँ। ये है अप्सरा का प्रीमियम स्कॉलर किट जो कि मुझे 149 रुपीस की पड़ी है। तो इसमें आपको रबर, कटर, स्केल, पेंसिल काफी सारे मिल जाते हैं। तो इसमें इसके जो कंटेंट है सारी इसमें क्वांटिटी डिटेल सारी दी गई है। तो अब मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं। तो इसमें आपको अप्सरा प्लैटिनम पेंसिल की 10 पेंसिल का एक पैक मिल जाता है, अप्सरा एब्सोल्यूट पेंसिल का 10 पेंसिल का एक पैक मिल जाता है, फिर उसके बाद अप्सरा नॉन डस्ट जंबो रबर का एक पीस मिलता है, अप्सरा टाइडी अप इरेजर शार्पनर कॉम्बो आपको 1 पीस मिल जाता है, फिर नेक्स्ट इसमें अप्सरा रबर लॉन्ग इरेजर आपको मिल जाता है 5 पीसेस, अप्सरा 15 सेंटीमीटर डिलक्स स्केल मिल जाता है 1 पीस। तो इतनी सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती है और ये सिर्फ 149 रुपीज की है। तो मुझे काफी सही लगा, सारी चीजें एक बार ही मंगा लो, आप 1 ईयर के लिए फुर्सत हो जाओ। तो गाइज मेरी यही थी शॉपिंग। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस आपको परचेज करना होगा तो आप परचेज कर लीजिएगा। तो गाइज कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में, टिल देन ओके बाय बाय।